बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। टुडेज 19th अगस्त 2020, क्लास वन, सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर 20। योर टॉपिक इज रीडिंग, यूनिट नंबर 5, नेक्स्ट, एंड योर डायरी इज एनिमल्स, बुक पेज नंबर 44 से 47। लर्न, सो ओपन योर बुक पेज 44 एंड लेट्स स्टार्ट योर लेक्चर। बुक पेज 44 पे आपका टॉपिक बर्ड्स। बर्ड्स कहते हैं परिंदों को। देर आर मैनी काइंड ऑफ बर्ड्स। आप बर्ड्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक किस्म के परिंदे नहीं होते, परिंदे भी मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं। बर्ड्स हैव फीदर्स, उनके फीदर्स कहते हैं पर होते हैं, एंड विंग्स, ठीक है, विंग्स परों को कहते हैं, और फीदर्स भी उनके पर होते हैं, ठीक है। और मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, मोस्टली बर्ड जो हैं वो फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इधर देखें, ये पिकॉक है, पिकॉक कहते हैं मोर को, ये कीवी है, और ये है पैराकीट, पैराकीट पैरट को कहते हैं, ये ऑल उल्लू है, ऑस्ट्रिच शितरमुर्ग को कहते हैं, उसके बाद स्पैरो चिड़िया को कहते हैं, किंग फिशर इसकी लंबी चोंच होती है, इसको राम चिड़िया भी कहते हैं, ये मैना, इसकी भी आप लोगों ने आवाज़ सुनी होनी है मैना। उसके बाद करो, ये हमारे पास कौवे हैं, ईगल अकाब है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, बर्ड्स हैं। कुछ के पास विंग्स हैं, वो फ्लाई करते हैं, और कुछ के पास फीदर्स हैं। नेक्स्ट है, बेबी एनिमल्स लुक लाइक देयर पेरेंट्स। जो छोटे एनिमल्स होते हैं, जो बेबी अभी बच्चे होते हैं, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे देखें कैट्स, अब कैट्स के जो बेबी हैं वो बिल्कुल कैट्स की तरह दिखाई दे रहे हैं। अब डॉग है, डॉग का बेबी बिल्कुल डॉग की तरह है। उसके बाद ये हमारे पास खो है, खो का बेबी बिल्कुल खो की तरह है। नेक्स्ट पेज पे हैं, सम एनिमल्स ले एग्स। कुछ एनिमल्स हैं वो अंडे देते हैं, ठीक है, वो पहले अंडे देते हैं। व्हेन द एग्स हैच, जब अंडा टूटता है, बेबी एनिमल्स कम आउट ऑफ द एग, फिर अंडे में से बेबी निकलता है। कुछ तो लिव बर्ड देते हैं ना अपने बेबीज को, जैसे ह्यूमंस हैं, जैसे ये कैट्स हैं, डॉग्स हैं, ये एग्स ले नहीं करते, लेकिन कुछ हमारे पास एनिमल्स हैं वो पहले एग्स ले करते हैं, अंडे देंगे, अंडों फिर जो अंडे हैं वो टूटेंगे तो उसके अंदर से उनके बेबीज निकलेंगे। जैसे ये सबसे पहले ये देखें, ये एग्स हैं, एग्स में से ये चिक निकला, जब अंडे टूटे तो अंदर से चिक निकला है। यहाँ पे देखें, ये स्नेक है, स्नेक भी क्या करता है, ये भी एग्स ले करता है। उसके बाद ये फिशेज़ हैं, फिशेज भी क्या करती हैं, एग ले करती हैं, यानी कि अंडे देती हैं, फिर वो अंडे टूटते हैं और उन अंडों में से उनके बच्चे निकलते हैं। नेक्स्ट है फूड। फूड कहते हैं खुराक को, खाने को। एनिमल्स नीड फूड, वाटर, क्लीन एयर एंड अ सेफ प्लेस टू लिव। एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए आप लोगों को पता है फूड की भी ज़रूरत पड़ती है, पानी की भी ज़रूरत पड़ती है उनको ज़िंदा रहने के लिए, और सेफ प्लेस, एक सेफ महफूज जगह, ठीक है। जैसे हम लोग अपने घरों में रहते हैं, हमें क्लीन एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, फूड भी चाहिए, और घर भी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। सम एनिमल्स ओनली ईट प्लांट्स। अब कुछ एनिमल्स हैं वो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। कोस, हॉर्सेस एंड गोट्स ईट लीव्स एंड ग्रास। जैसे कि अब हमारे पास खोज हैं, गाय हैं, हॉर्सेस घोड़े हैं, गोट्स बकरी हैं, ये क्या खाते हैं, ये या तो लीव्स खाएंगे, ये प्लांट्स के जो पत्ते हैं उनको खाएंगे, या फिर ग्रास को खाते हैं। ये देखें, यहाँ पे दिखाया उन्होंने खो को, दिखाया हुआ है ग्रास खा रही है, ये उन्होंने दिखाया हुआ है हॉर्स को, ये भी क्या खा रहा है, ग्रास खा रही है, यानी कि ये प्लांट्स खाते हैं। नेक्स्ट है, पीछे तो हमने पढ़ा कि कुछ प्लांट्स को खाते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स हैं, सम एनिमल्स ईट इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। वो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने देखें, ये दिखाई हुई है स्पैरो, दिखाई हुई है, इसके मुंह में वर्म है। जैसे ये फ्रॉग दिखाया हुआ है, फ्रॉग की इसने अपनी लंबी सी टंग को बाहर निकाला हुआ है, जुबान को, और इसके ऊपर ये देखें फ्लाई बैठी हुई है, मक्खी बैठी हुई है। तो ये इंसेक्ट को, कुछ इंसेक्ट्स को खाते हैं, कुछ वर्म्स को खाते हैं, ये प्लांट्स को नहीं खाते। नेक्स्ट है हमारे पास, सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स। डॉग्स, लायंस एंड टाइगर्स ईट मीट। कुछ एनिमल्स हैं वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, जैसे कि डॉग्स, लायंस एंड टाइगर ईट मीट। ये जितने भी हैं ये सारे के सारे दूसरे एनिमल्स का गोश्त खाते हैं। आप ये देखें, लाइन है, लाइन मीट खा रहा है, या तो ये डॉग का, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कैटेगरीज आ गई कि हमने कहा कि कुछ एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, कुछ हमने कहा इंसेक्ट्स और वर्म्स को खाते हैं, कुछ हमने कहा दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ये उनकी फूड की बात हो गई, अब उनके होम्स की बात, घरों में रहने की बात। एनिमल्स मेक देयर ओन होम्स। एनिमल्स भी अपने घर बनाते हैं, हाँ कोई भी एनिमल्स है वो अपने घर बना के रहता है। दे फील सेफ इन देयर होम्स, वो अपने घरों में खुद को महफूज फील करते हैं।
जैसे ऑल इन अ ट्री होल, आप ये जो ऑल है ये कहाँ पर रहता है, ये दरख्तों में इन्होंने ये देखे सुराख से बनाए होते हैं, ये वहाँ पर रहता है। बियर इन अ केव, आप जो बियर है वो गारों में रहते हैं। आंट्स ऑन एन आंट हिल, जो चिड़िया है वो भी अपने घरों में रहती हैं। स्पाइडर ऑन अ वेब, ये जाल बना के रहते हैं, ठीक है। बर्ड्स इन अ नेस्ट, आप जितने भी बर्ड्स हैं वो घोंसले बना के रहते हैं। स्नेक इन अ होल, जो स्नेक्स हैं उन्होंने ज़मीन में या कहीं पे भी कोई बिल सी खोदी होती है और वो वहाँ पे रहते हैं और वहीं उनके घर होते हैं और वहाँ पे वो बिल्कुल सेफ फील करते हैं, जैसे आप लोग अपने घरों में सेफ फील करते हैं। नेक्स्ट है, पीपल मेक होम्स फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स, अब जो लोग हैं वो डोमेस्टिक एनिमल जो घरों में जो एनिमल्स रखते हैं, अब कैट्स या डॉग्स कुछ लोगों ने रखे होते हैं, पैरट्स रखे होते हैं, तो उनके भी हम अलहदा से घर बनाते हैं। जैसे कि मुर्गियां लोगों ने घरों में रखी होती हैं तो उनके लिए भी अलहदा से घर बनाते हैं। दीज एनिमल्स कैन लिव सेफली विद ह्यूमंस, ताकि वो इंसानों के साथ सेफली रह सकें। वाइल्ड एनिमल्स कैन नॉट बी केप्ट एट होम एज ए कैन बी डेंजरस, लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जिनको जंगली जानवर हमने कहा था उनको हम घरों में नहीं रख सकते क्योंकि वो डेंजरस होते हैं, वो नुकसान पहुँचा सकते हैं। बर्ड केज, अगर हम लोगों ने कोई बर्ड्स रखे हैं तो उनका हम इस तरह केज बनाते हैं। आप कैनल, अगर डॉग्स वगैरह रखे हैं तो उनका इस तरह का हाउस होता है, उसको कैनल कहते हैं। रैबिट हच, आप अगर हम लोगों ने रैबिट्स रखे हुए हैं तो उनके लिए हच बनाते हैं, रैबिट हच। आप स्टेबल में देखें, यहाँ पे हॉर्सेस रखे हुए हैं तो हॉर्सेस के लिए अलहदा से फॉर्म सा बना हुआ है जहाँ पे वो बिल्कुल सेफ फील करते हैं। आप लोगों ने अच्छी तरह से रीडिंग सारी पढ़नी है और सारे वर्ड्स मीनिंग जो भी सारा कुछ आप लोगों ने अच्छी तरह इसको समझना है। एंड आई होप सो यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। जज़ाकअल्लाह।